अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको इन तीनों को छोड़कर आपने जाना है, असफलता के ये तीनों प्रमुख कारण हैं, आपने इन तीनों के बजाय हर समय, अगेन वही बात है, जब भी आपको डर लगे, चिंता आए, आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करिए। और आपने अब करना क्या है, देखिए, आपके हर सुबह की जब शुरू होता है, दो टाइम आपके लाइफ में सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं, 24 घंटे में से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सुबह के 10 मिनट, उठते ही 10 से 15 मिनट, और शाम को सोने से पहले या रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट। क्या आपने कभी ये नोट किया है? जरूर किया होगा कि जब आप सुबह उठते हैं, आप कोई मशीन नहीं है जिसका बटन दबा के और आप उठते ही एकदम चार्ज जाते हैं और एकदम फुर्ती से काम करने लगते हैं। उठने के आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। उठते ही आपका मन नहीं करता ज्यादा किसी से बात करने का, आप थोड़ा सा समय चाहते हैं अपने साथ में, थोड़ा नॉर्मल होने में आपको वक्त लगता है, 5, 10, 15, कभी कभी 20 मिनट, ऐसा होता है सभी के साथ? गुड। जब आप सो रहे होते हैं वो भी सेम है, सो बिस्तर पे लेटते ही कोई बटन नहीं दबता कि आप एकदम सो जाते हैं, आपको धीरे धीरे आप एक अनिद्रा वाली कंडीशन में आते हैं, जिसे ड्रगी स्टेट कहा जाता है, आप पूरे अलर्ट से धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंचते हैं 5-10 मिनट, फिर आप सोते समय सोते हैं। ऐसा सबने महसूस किया है? यस। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके मस्तिष्क के दो भाग हैं, चेतन मन व अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन के अंदर 5 इंद्रियां आती हैं, कॉन्शियस माइंड में 5 सेंसेस आती हैं, देखना, सूंघना, राइट, सुनना, टेस्ट करना, एंड चौथा स्पर्श करना। ये पांचों सेंसेस या पांचों इंद्रिया, इनका पापा है कॉन्शियस माइंड। अब ये जो पांचों सेंसेस जो हैं ये बहुत कमजोर है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो बहुत कम होती है। आप देखिए, आप क्या देख सकते हैं? आप कुछ दूर तक देख सकते हैं, आप कुछ मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन आप कोई चील नहीं है कि आप 3 किलोमीटर तक देख सकें। देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्योंकि आपका सिस्टम इस तरीके से डिजाइन नहीं है। आप कुछ दूर तक सुन सकते हैं, अभी आप देख रहे थे कि बीच बीच में माइक की आवाज जा रही थी तो पीछे सुनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप कुछ ही दूर तक की आवाज सुन सकते हैं, ज्यादा दूर तक की आवाज हमारे कान नहीं बने हैं, इतने पावरफुल नहीं है हमारा मुख, मौखिक और हमारी सुनने की शक्ति। सेम वे आप सूंघ क्या सकते हैं? कुछ दूरी की खुशबू सूंघ सकते हैं, यहाँ से शहर के बाहर कौन क्या बना रहा है उसकी खुशबू आपके पास आएगी नहीं। तो सेम वे आप चीज टेस्ट करके, आप सामने कोई चीज रखी है बहुत अच्छी लग रही है, लजीज लग रही है, लेकिन वो लजीज है या नहीं है जब तक वो जबान पे नहीं आएगी तो पता नहीं सकते हम, है ना, सिर्फ इमेजिनेशन है उससे पहले। सेम वे कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है उसको देखने से हमें आइडिया नहीं आएगा जब तक हम उसको टच ना करें, उसका स्पर्श करें बेटा। तो ये पांचों सेंसेस एक तो वीक है, दूसरा जब हम सोते हैं तो ये पांचों सेंसेस हमारी सो जाती है। दूसरी तरफ है अवचेतन मन और द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि सुप्रीम पावर है और जो सुपर पावर है, उसकी पावर अनलिमिटेड है। उसकी पावर के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। आपको सुबह जल्दी उठना होता है 5 बजे, आप अपने मन में ये सोचते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन आप 5 बजे से पहले, अलार्म बजने से पहले आप उठ जाते हैं। ऐसा कितने लोगों के साथ जीवन में कभी भी हुआ है? अब देखिए, ऑलमोस्ट सभी के साथ हुआ है। मैं कभी भी अलार्म यूज नहीं करता, कभी भी यूज नहीं करता, कभी भी क्यों ना उठ रहा हूँ, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलता हूँ इतना भी उठा देना, वो अपने आप होता है। आप कभी किसी को याद कर रहे हैं, उसका नंबर आपके पास नहीं है और कोई साधन नहीं है कॉन्टैक्ट करने का, लेकिन तभी वो व्यक्ति या तो आपको कॉल करता है या उनका समाचार आपको कहीं से मिलता है या नंबर मिल जाता है, ऐसा कभी आप, ऐसा किसके साथ हुआ? देखिए, और वो सभी के साथ हुआ है। ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जिसमें डिस्टेंस भी मायने नहीं करता। मैडम आपकी गुफ्तगू बंद हो जाए, बहन जी एब्सोल्युटली ड्राइवर। तो जब आप जाग रहे होते हैं, आपका ड्राइवर कौन है? कॉन्शियस माइंड है या चेतन मन। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, सोने के बाद भी आपका सोने, जब आप सोते हैं आपकी पूरी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, दिन भर में जितने आपके सेल्स डैमेज हुए उनकी रिपेयरिंग होती है, उनकी सर्विसिंग होती है, ताकि जब आप अगले दिन उठें तो आप फ्रेश उठें। ठीक है, अंदर सारा आपका हार्ट बीट चलती रहती है, सारा सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करता है, सब कुछ करता है। ये जिम्मेदारी है सबकॉन्शियस माइंड की। उस समय होता है क्या, जब आप सो रहे हैं तो जो सबकॉन्शियस माइंड है या जो अवचेतन मन है वो आ जाता है ड्राइविंग सीट पर, और जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, वो कंडक्टर सीट पे आता है, यानी कि वो बैक सीट ले लेता है। ओके, अब सुबह उठते ही आपको नॉर्मल होने में 10 मिनट या 15 मिनट क्यों लगते हैं?
आपकी बैटरी फुल चार्ज होने में, क्योंकि उस समय ये दोनों लोग अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते। कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है लेकिन पूरे तरीके से एक्टिव होने में समय लगेगा, सबकॉन्शियस माइंड पीछे जा रहा है। सेम वे सोते समय भी ये अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक रिसीविंग स्टेज में होता है या वो ग्रहण करने की मुद्रा में होता है उस समय। तो सोते समय आप अपने टीवी देखते 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 ना सोएं, कुछ अच्छा पढ़ते हुए सोएं, कोई प्रेरणादायक पुस्तक, कोई साथ जो भी आपको अच्छा लगे ऐसी कोई चीज पढ़ते हुए सोएं, और सोते समय आंख बंद करते समय जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। सुबह जब आप उठते हैं, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, जमीन पे पांव रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। इसलिए धन्यवाद दीजिए, उसमें आपके पास कुछ भी ना हो फिर भी बहुत कुछ है। जीवन की एक सच्चाई, आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, आपसे बड़े और धनवान और कामयाब लोग बहुत होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाए। और जीवन की एक और सच्चाई, आप कितने भी निम्न स्तर पर क्यों ना हो, आपसे भी निम्न स्तर में हमेशा लाखों करोड़ों लोग रहने वाले है कि नहीं। सो जैसे ही आपकी आंख खुले, आपने शुरुआत जमीन पे पैर रखने से पहले जिसको भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए, और उस समय अगर आप दिल से धन्यवाद देंगे, राइट, जो उसने आपको दिया उसको अप्रिशिएट करेंगे, और जो लोग आपके जीवन में हैं उनको अगर आप धन्यवाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे जो भी उन्होंने आपके लिए किया, तो आप और ज्यादा अच्छी स्थिति को अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। और उसके बाद सोचिए अपने गोल्स के बारे में, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो पैसा आप कमाना चाहते हैं, जो भी कामयाबी आप चाहते हैं। ऐसा करने से ये जो शुरू के 10-15 मिनट और सोते समय 10-15 मिनट आप ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप डाल देंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इन परिस्थितियों को आपके जीवन में लाने का प्रयत्न शुरू कर देता है, और वो बहुत पावरफुल है। आपके कॉन्शियस माइंड या आप जितनी आपको अंदाजा नहीं है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे वेस्टीज कैसे मिली थी, 2007 में इसी शहर में एक मैंने वर्कशॉप करी, और उस वर्कशॉप में एक एक्सरसाइज थी वो मैंने स्वयं करी। उस समय मैं आर्थिक रूप से बहुत टफ समय से गुजर रहा था, तो मैंने 7 पेज लिखे उस समय की जैसी मेरी वित्तीय स्थिति थी जो कि बहुत कष्टदायक थी। तो वो लिखने के बाद में उसको मैंने जला दिया, जलाने का अर्थ है कि वो मेरे जीवन से चला गया। फिर मैंने 11.5 पेज के A4 शीट के मेरे ड्रीम्स लिखे कि मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, 2007 दिसंबर की बात है। और उसके बाद मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया वॉकमैन में, और दिन रात मैं उसको सुनने लगा, 15-20-25 दिन उसको लगातार पता नहीं अनगिनत बार सुना। और उसके बाद एक दिन में मेरी पुरानी कंपनी के ऑफिस से निकला, आधे रास्ते पहुंचाऊंगा गाड़ी साइड लगाई और सीधा गौतम बाली जी को फोन किया। ये रास्ता कहाँ से है, सबकॉन्शियस माइंड ने दिया। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है, उसकी पावर को टैप करना अगर आपको रियली में सफल होना है, राइट। सो सुबह 10-15 मिनट और शाम को 10-15 मिनट अपनी सफलता के बारे में।